आरडी पोलीस स्टेशन हद्दीत दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या 6 आरोपींचा डाव चांगलाच फसला आहे. आरोपी हे दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सापळा रचून ऑटोत बसून प्लॅनिंग करीत असलेल्या आरोपींना अटक केली आहे. यातील 3 आरोपी अटक असून 3 आरोपी हे अंधाराचा फायदा घेऊन पोबारा झाले. फरार आरोपींचा शोध पोलीस घेत आहेत. पारडी पोलिसांचे पथक पोलीस ठाणे हद्दीत पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीवरून त्यांनी नवीन नगर पंतप्रधान आवास योजना समोरील सिमेंट रोडच्या कडेला ऑटो रिक्षा MH49 BM2359 मध्ये रेड कारवाई केली असता दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेले आरोपी हर्ष उर्फ हर्या युवराज झिंगोले वय वर्ष 22 कामठी, रवी उर्फ बारीक गुप्ता वय 19 वर्ष दुर्गानगर पारडी, शंकर मुरेंद्र तिवारी 22 वर्ष श्यामनगर पारडी हे आपल्या ताब्यात प्राणघातक शस्त्र घेऊन दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असताना सापडले व अक्षय ठाकूर वय 24 वर्ष शिवनगर पारडी, संदीप शहा वय 22 वर्ष नवीन नगर पारडी, नुधार उर्फ MD बिसेन श्यामनगर पारडी हे अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले. ताब्यात घेतलेल्या आरोपींच्या ताब्यातून एक लोखंडी चाकू, एक बेसबॉलचा दंडा, एक टोकदार हुक व आटो असे अंदाजे 80,550 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला गेला. आरोपींचा शोध पोलीस घेत आहे. पारडी पुलिस स्टेशन में कार्यरत तपास पदक दिनांक 5/12/2023 को रात के समय पुलिस स्टेशन हाथ में पेट्रोलिंग कर रहे थे. तब तपास पदक के अमलदार को उनके खबरी से जानकारी मिली कि नवीन नगर सीमेंट रोड पे एक ऑटो रिक्शा में 5-6 गुनेगार लोग बैठे और उनकी कहीं पे लूटपाट करने की बात चल रही. इसी आधार पे जानकारी के हिसाब तपास पदक के पुलिस उपनिरीक्षक हनुमत इंगे और उनके टीम ने वहां पे छापा डाला और ऑटो में बैठे हुए 3 लोगों को ताबे में लिया. उसी समय 3 लोग वहां से भाग गए. 3 लोगों में ताबे में लिया उनके नाम है हर्ष युवराज इंगोले उम्र 22 साल रहना नवीन नगर, दूसरे का नाम है रवि उर्फ बारिक राम मुरत गुप्ता उम्र 18 साल रहना दुर्गा नगर और तीसरे का नाम है शंकर सुरेंद्र तिवारी उम्र 22 साल रहना श्यामनगर पारडी. इन तीनों को विश्वास में लेके तपास पथक ने पूछताछ किया तो उन्होंने जानकारी दी कि पारडी क्षेत्र में उनका 6 भागे हुए लोग और इनको मिलके लूटपाट करने की योजना बना रहे थे. उनकी झड़ती ली तो पुलिस को उनके पास से एक चाकू और डाका डालने के लिए सेंटरिंग हुक और लाकड़ी डंडा मिल गया. उनको हिरासत में लेके उनके खिलाफ पारडी पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया है.